मुख्यमंत्री अहुदे तो हटाए जाण तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दा छलकिया दर्द, कहा सिद्धू नूं सीएम बनण तो रोकण दे लई हर कुर्बानी देण नूं तैयार। नवजोत सिंह सिद्धू दे खिलाफ उतारांगा तकड़ा उम्मीदवार। वेणुगोपाल माकन ते सुरजेवाला ते वी पंजाब सरकार चलाउण ते चुके सवाल। पंजाब कांग्रेस विच कीता गया बदला, पंजाबियां नूं आया पसंद। 63% पंजाबियां ने सत्ता बदला नूं कीता मंजूर। 12.6% ने कैप्टन नूं हटाउणा मन्निया ठीक। 2022 चोणां विच 34.7% सिद्धू नूं कांग्रेस दा चेहरा चाहुंदे ने लोक। प्रश्नम रिसर्च एजेंसी वल्लों जारी कीते गए सर्वे दे आंकड़े। एक्शन मोड ते पंजाब दे नवें मुख्यमंत्री दरबार साहब होए नतमस्तक। दोवें डिप्टी सीएम ते नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे मौजूद। अमृत वेले होण वाली पालकी साहब दी सेवा विच होए शामिल। कहा गुरु साहब दी बेअदबी मामले विच होवेगा इंसाफ। कैप्टन दे हमायतियां नूं झटके लगने शुरू। अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे चेयरमैन दिनेश बसी नूं हटाया गया। सिद्धू दे करीबी कौंसलर दमनदीप सिंह नूं चेयरमैन कीता गया नियुक्त। कैनेडा विच एक बार फिर घट गिणती सरकार। एनडीपी लीडर जगमीत सिंह फिर बन सकदे किंग मेकर। कहा ट्रूडो एनडीपी दीआं तरजीहां तों चंगी तरह जाणू। लिबरल पार्टी ने 158 ते एनडीपी ने जित्तियां 25 सीटां। गुड मॉर्निंग पंजाबियों, एबीपी सांझा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हतजिंदर कौर लैके मुड़ हाजिर हाँ फटाफट अंदाज विच वड्डियां खबरां। पंजाब दे नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार एक्शन मोड ते ने। अमृतसर अते जलंधर दौरे ते अज रहे ने। सब तो पहला मुख्यमंत्री दा अहुदा संभालण तो बाद अज दरबार साहब नतमस्तक होए। उस तो बाद जलियांवाला बाग पहुंचे ते फिर दुर्गियाना मंदिर ते राम तीर्थ स्थान विच भी मत्था टेकिया। ते इस तो बाद उन्होंने चाह दा आनंद माणदे होए अपना शायराना अंदाज भी विखाया। ते इन्हां सारे दौरियां दे दौरान उन्हां दे नाल दोवें डिप्टी सीएम अते नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे ने। पंजाब दे साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ते जमके वरे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं सुपर सीएम कहा ते उन्हां कहा कि सिद्धू नूं सीएम बनण तों रोकण दे लई ओह किसे भी कुर्बानी देण नूं तैयार ने। उन्हां इह कहा कि आउण वालियां विधानसभा चोणां विच ओह सिद्धू दे खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार उतारणगे। चरणजीत सिंह चन्नी दे सीएम बनण दे दो दिन बाद बुखलाई कैप्टन ने हाईकमान ते भी अटैक कीता है। उन्होंने कांग्रेस अगुवाई दे करीबियां केसी वेणुगोपाल अजय माकन अते रणदीप सुरजेवाला ते भी निशाना साधदे होए नवीं सरकार नूं दिल्ली तों चलाउण दे इल्जाम लगाए ने। कैप्टन दे चहेते अफसरां ते लीडरां दी नवीं सरकार विच छुट्टी कीती जा रही है, जिस तों बाद पंजाब दे साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दा दर झलकिया। पंजाब विच कांग्रेस वल्लों कीता गया सत्ता बदला, पंजाबियों नूं किन्ना पसंद आया, इस बारे हाल ही विच एक सर्वे कीता गया है। इस सर्वे मार्केट रिसर्च एजेंसी प्रश्नम वल्लों कीता गया है। सर्वेखण दे मुताबक 63% पंजाबियों ने सत्ता बदला नूं मंजूर कीता है। प्रश्नम वल्लों सूबे दी जनता तो दो सवाल पुछे गए सन। तकरीबन 1240 वोटरां तो पुछे सवालां दे जवाब दे आधार उते आंकड़े तैयार कीते गए ने। 63% पंजाबियों नूं बदला ठीक लग्या, जदकि 12.6% अजिहा मानदे ने कि कैप्टन नूं हटाउणा तां ठीक सी पर चन्नी मुख्यमंत्री वजों सही चोण नहीं सी। 2022 विधानसभा चोणां दे लई आंकड़ें दे मुताबक 34.7% नाल नवजोत सिंह सिद्धू नंबर 1 ते ने, जदकि नवें बने पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस दे सीएम चेहरे वजों 26.6% लोकां दी पसंद बने ने। इस दे नाल ही 17.9% नाल साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तीजे नंबर ते रहे। पंजाब दे नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अते दोवें उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ते ओम प्रकाश सोनी सचखंड श्री दरबार साहब विच अज अमृत वेले होण वाली पालकी साहब दी सेवा विच शामिल होए ने, जिस दे लई मुख्यमंत्री चन्नी देर रात अमृतसर पहुंचे सन, जिथे ओह श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होए अते गुरु घर दा शुकराना कीता। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरु घर विखे सरबत दे भले दी अरदास कीती अते हाईकमान वल्लों दित्ते गए इस अहुदे दी जिम्मेवारी नूं निभाउण लई परमात्मा दा शुकराना भी कीता। इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि ओह धर्म नूं मुख रखदिआं अपनी सरकार चलाउणगे। उन्हां कहा कि बरगाड़ी अते बहबल कलां विच होई गुरु साहब दी बेअदबी दे दोषियां नूं जल्द तों जल्द फड़ के सजावां दित्तियां जाणगीआं अते सिख धर्म दे नाल पूरा इंसाफ होवेगा। इस दे नाल ही पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने नवें मुख्यमंत्री दी तारीफां कीती। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
हर धर्म का सूबे दे विच सत्कार होएगा, हर वर्ण का सूबे दे विच सत्कार होएगा। आपसी प्यार मेल मिलाप सूबे दे विच बधाया जाएगा, बरकरार रहेगा ते धर्म की जय जयकार रहेगी। गुरु साहब की बेअदबी उस दी जो इंसाफ पंथ नूं चाहिए गुरु नूं मिलना चाहिए वो इंसाफ दवाया जाएगा। कि राजनीति कहते राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब तले मले हैं। ये गुरु की कृपा है कि राजनीति मुद्दों तो भटकी, साडे चीफ मिनिस्टर ने मुद्दों ते घड़ीस के वापस लियांदी है। लोक मसलियां दा जे असी हल नहीं कर सकते तो फिर सच्चे सिख नहीं, क्योंकि धर्म भुखियां नूं रजाउणा है, रोंदियां नूं हसाउणा है, उजड़ियां नूं वसाउणा है और समाज और पंजाब दी राह दे उत्ते हर रोड़े नूं हटाउणा है। यही धर्म है। और अज मैनू बहुत खुशी है कि जो मैं ये पिछले दो दिनों दे विच इस निमाणे और मत उच्ची वाले चीफ मिनिस्टर नाल महसूस किया, मैं पिछले 17 साल की राजनीति दे विच कदे महसूस नहीं किया, क्योंकि महसूस ही हुण होया कि कांग्रेस लोकां दी निरपै होके बिना पन्ने सेवा कर सकती है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दरबार साहब नतमस्तक होने तो बाद जलियांवाला बाग पहुंचे, जिथे उन्होंने शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती। इस तो बाद राम तीर्थ धाम नतमस्तक होए, जिथे प्रबंधक कमेटी वालों मुख्यमंत्री चन्नी, प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर रंधावा ते ओपी सोनी नूं विशेष तौर ते सन्मानित किया गया। इस तो अलावा राम तीर्थ मंदिर तो परतदे हुए दुर्गियाणा मंदिर जाते हुए पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के प्रसिद्ध ज्ञानी टी स्टॉल ते पुजे, जिथे उन्होंने चाह का लुत्फ उठाया ते शेरो शायरी भी की। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी ये पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर आंगन में, चांद हर छत पे है, सूरज है हर आंगन में, कैप्टन दे हमायतियां नूं झटके लगने शुरू हो गए ने। अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे चेयरमैन दिनेश बसी नूं अहुदे तों हटा दिता गया। उन्हां दी थां ते हुण नवजोत सिंह सिद्धू दे पसंदीदा कौंसलर दमनदीप सिंह नूं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दा चेयरमैन नियुक्त किया गया। दिनेश बसी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खास मन्ने जांदे सी। नवजोत सिंह सिद्धू अपने हलके दे विकास कार्यां नूं लैके दिनेश बसी तों बहुत नाराज़ सी। इस दे नाल ही सिद्धू धड़े वल्लों कैप्टन धड़े दे लीडरां दे नाल मुलाकातां वी कीतियां जा रहियां ने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अमृतसर विखे मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत सिंह औजला दे घर वी पहुंचे। इत्थे औजला ने उन्हां दा गर्मजोशी दे नाल स्वागत कीता। औजला साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे करीबी मन्ने जांदे ने। कुछ दिन पहला 31 अगस्त नूं राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा वल्लों थापे गए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे चेयरमैन पवन कुमार पम्मा नूं सरकार दे हुक्मां ते हटा दित्ता गया। इस तों अलावा बटाला दे पहला रहे अते मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा दे खास कस्तूरी लाल सेठ नूं मुड इंप्रूवमेंट दा चेयरमैन थाप दित्ता गया। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दी चेयरमैनी दोबारा मिलन तों बाद कस्तूरी लाल सेठ दे परिवार अते उन्हां दे समर्थकां विच खुशी दी लहर है। कस्तूरी लाल सेठ ने कहा कि अज उन्हां दी सच्चाई दी जित होई है। उन्हें कहा कि कुछ दिन पहला उन्हें नाल धक्का करते हुए चेयरमैनी दे अहुदे तो हटा दिता गया सी, पर आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी दे वर्कर दी जित हुई है। पंजाब दे नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वल्लों दिल्ली जाण दे लई प्राइवेट जेट किराए ते करन दा मामला लगातार तूल फड़दा जा रहा है। इस पूरे मामले नूं लैके विधायक कुलदीप सिंह वैद ने हुण सफाई दित्ती है ते कहा कि उन्हां नूं एमरजेंसी विच दिल्ली जाणा सी जरूरी बैठक दे लई, इस करके प्रोटोकॉल दे तहत उन्हां वल्लों हवाई यात्रा कीती गई है। नाल ही उन्होंने कहा कि विरोधी इस दा बिना वजह मुद्दा बना रहे ने। कुलदीप वैद ने आम आदमी पार्टी अते अकाली दल ते तंज कसदियां कहा कि केजरीवाल खुद हवाई यात्रावां करदे रहे ने, जदों कि अकाली दल वल्लों अपने कार्यकाल दे दौरान 121 करोड़ रुपए हवाई यात्रावां ते खर्च कीते गए सी।
अमृतसर तो बाद पंजाब दे नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर विच डेरा संत सरवण दास जी सचखंड बलां वेखे नतमस्तक होए अते परमात्मा दा शुकराना कीता। चरणजीत सिंह चन्नी वल्लों डेरा बलां वेखे नतमस्तक हो के संत महापुरखां वल्लों आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान उन्हां नाल उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। इस मौके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कई वड्डे दावे भी कीते। चन्नी ने स्टेज तो बोलदिया वादा किया कि डेरे नाल लगती 101 करोड़ जमीन पंजाब सरकार खरीद के देवेगी। इस दे नाल ही चन्नी ने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी विच 100 करोड़ रुपए की लागत नाल डॉक्टर बी आर अंबेडकर म्यूजियम बनाने का ऐलान भी किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मेरा विजन सब नू आत्मनिर्भर बनाना है। श्री गुरु नानक देव जी दे ज्योति जोत दिवस मौके पाकिस्तान विच नगर कीर्तन सजाया गया है। पाकिस्तान दे गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब तो जीरो लाइन तक एक नगर कीर्तन सजाया गया। इस नगर कीर्तन की अगुवाई श्री अकाल तख्त साहिब दे जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों की गई। इस नगर कीर्तन विच वड्डी गिणती विच संगतां ने हिस्सा लिया। समय एक छोटे जे ब्रेक दा, तुसी बने रहो एबीपी साझा दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए अमरीका दौरे से रवाना हुए हैं। इस दौरान 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में शमूलियत करेंगे। इस दे नाल ही देख लेंगे कि आईपीएल 2021 के दूजे फेस में राजस्थान के किस खिडारी ने किवें पंजाब के खिलाफ आखिरी ओवर में पलटी बाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीका दौरे दे लई रवाना होए ने। इस तो पहला बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि यह दौरा अमरीका दे नाल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करन दा मौका है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडन दे सद्दे उते 22 तो 25 सितंबर 2021 तक यूएसए दा दौरा करांगा। इस दौरान मैं राष्ट्रपति बाइडन दे नाल ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी अते आपसी हितां दे खेतरी अते ग्लोबल मुद्दियां उते विचार साझा करांगा। मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तो मिलन दे लई भी उत्साहित हां। हैरिस दे नाल विज्ञान अते टेक्नोलॉजी सेक्टर विच सहयोग दे मौकियां ते चर्चा होवेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति बाइडन, ऑस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अते जापान दे प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा दे नाल व्यक्तिगत रूप तो क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लवांगा। इस सम्मेलन इस साल मार्च विच होए वर्चुअल शिखर सम्मेलन दे नतीजियां दा जायजा लैण दा मौका देगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं आदेश दित्ते ने कि कुड़ियां नूं इसे साल नवंबर विच एनडीए दे एंट्रेंस एग्जाम विच शामिल होने की इजाजत दित्ती जाए। कोर्ट ने अगले साल तक इस कदम नूं मुलतवी करन दी सरकार दी मंग नूं खारिज कर दित्ता है। इस दे नाल ही अदालत ने संघ लोक सेवा कमीशन नूं इस साल 14 नवंबर नूं प्रीख्या दे लई नोटिफिकेशन जारी करन दे निर्देश भी दित्ते ने। सरकार दा सुझाव सी कि एनडीए दे लई कुड़ियां नूं अगले साल मई विच प्रीख्या देनी चाहीदी है, जिस दे लई तैयारियां दा हवाला दित्ता गया सी, पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार दी इस मांग नूं हुण खारिज कर दित्ता है। कोरोना वायरस की तीजी लहर की आहट के विचकार देश विच 12 तो 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने शुरू हो सकता है। सूत्रों के हवाले तो यह रिपोर्ट दी गई है। इस दे मुताबिक कैडिला हेल्थकेयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जायकोव डी नू लॉन्च कर देगी। इस दे एमरजेंसी यूज लई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने पिछले महीने मंजूरी दे दी सी। जानकारी मुताबिक जायडस कैडिला अक्टूबर तो हर महीने 1 करोड़ डोज बनाना शुरू कर देगी। दूजे पासे भारत बायोटेक भी बच्चों ते वैक्सीन दे तीजे फेज दा ट्रायल पूरा कर चुकी है। कंपनी ने कहा कि अगले हफ्ते थर्ड फेज दे डेटा DGCI नूं सौंप देगी ते हले थर्ड फेज दे डेटा एनालिसिस कीता जा रहा है। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी 2 तो 12 साल की उम्र के बच्चों नूं कोवैक्स का दूजा ते तीजा फेज का ट्रायल कर रही है। मंगलवार देर रात राजस्थान रॉयल्स अते पंजाब किंग्स दे विचकार बेहद ही रोमांचक मुकाबला वेखण नूं मिलिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम विच खेडे गए इस मुकाबले विच 20 साल दे नौजवान तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी नवे यॉर्कर किंग बन के उभरे ने। कार्तिक त्यागी ने आखिरी ओवर विच 4 दौड़ा डिफेंड करते हुए राजस्थान रॉयल्स नूं 2 दौड़ा दे नाल जित दिला दित्ती है। पंजाब किंग्स दी टीम नूं 186 दौड़ा दा टिच्चा मिलिया सी, पर टीम निर्धारित 20 ओवरां विच 4 विकेट दे नुकसान ते 183 दौड़ा ही बना पाई।
कार्तिक त्यागी ने चार ओवरां विच 29 दौड़ां दित्तियां ते दो विकटां लैके पूरा मैच ही बदल दिता। इस तो पहला पंजाब किंग्स के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीत के पहला गेंदबाजी का फैसला किया सी। पंजाब किंग्स के आखिरी ओवरस विच मैच गवाउण दा सिलसिला आईपीएल 14 दे दूजे सीजन विच भी जारी रहे। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच नूं लगभग जीत ही लिया सी। पंजाब किंग्स नूं 17 गेंदां विच सिर्फ 12 दौड़ां दी जरूरत सी पर आखिरी ओवरस विच मैच पलट गया। आखिरी ओवर चार दौड़ां ते हाथ विच 8 विकेट। शायद ही कोई टीम इस स्थिति विच हार दी कल्पना कर सकती सी पर आईपीएल फेज 2 दे तीजे मैच विच पंजाब दी टीम नूं इस हकीकत दा सामना करना पिया। वजह सी राजस्थान रॉयल्स दे तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी। कार्तिक ने 141 दी रफ्तार ते गेंद सुट्टी ते दो बैट्स नूं पवेलियन दा रास्ता विखा दित्ता ते पंजाब तों जित खो के राजस्थान दी झोली विच पा दित्ती। कार्तिक दे इस कमाल दी ओवर तों बाद राजस्थान रॉयल्स दी जित दा जशन देखण लायक सी। कार्तिक त्यागी नूं उन्हां दी शानदार गेंदबाजी दे लई मैन ऑफ द मैच दा पुरस्कार भी नवाजिया गया है। पंजाब किंग्स दी टीम नूं आखिरी ओवर विच जित दे लई 4 दौड़ां दी दरकार सी पर कार्तिक त्यागी ने बाजी नूं पूरी तरह तों पलट दित्ता अते राजस्थान नूं रोमांचक मुकाबले विच 2 दौड़ां तों जित दिला दित्ती। पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल टीम दी हार तो बेहद निराश ने। राहुल ने कहा कि चंगी स्थिति विच होण दे बावजूद मिली इस हार नूं पचा पाना बेहद मुश्किल है। राहुल दा मनना है कि टीम ने पुरानी गलतियां तो सबक हासिल नहीं कीता है। इस नाल ही राहुल ने कहा कि दबाव विच टीम नूं बेहतर करन दी जरूरत है। इस हार दे कारण पंजाब किंग्स दे कोच अनिल कुंबले भी बेहद निराश ने। अनिल कुंबले ने मनया कि करीबी अंतर तो मैच गवाउणा पंजाब किंग्स दे लई आदत बन गई है। आईपीएल 2021 दे दूजे फेज से कोरोना महामारी दा साया मंडराउण लगे है। दिल्ली कैपिटल्स दे खिलाफ होण वाले मुकाबले तो 4.5 घंटे पहला एक खबर आई है कि हैदराबाद दे तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव हो गए ने। हालांकि बीसीसीआई ने कहा है कि मैच पहला तो तय शेड्यूल ते ही होवेगा। नटराजन दे पॉजिटिव होण तो बाद हैदराबाद दे ऑलराउंडर विजय शंकर तो अलावा 5 कोचिंग स्टाफ नूं आइसोलेशन विच भेज दित्ता गया है। मई विच कई खिडारियां ते स्पोर्ट्स स्टाफ दे पॉजिटिव आण तो बाद सीजन नूं मुलतवी कर दित्ता गया सी ते हुण एक बार मुड़ तों आईपीएल विच कोरोना वायरस दी एंट्री हो गई है। समय खोर छोटी जी ब्रेक दा ब्रेक दे उस पार कैनेडा विच एक बार मुड़ तों किंगमेकर साबित हो सकदे ने जगमीत सिंह।